बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीता सईद और आप देख रहे हैं द सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चिकन लॉलीपॉप, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाते हैं। और चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए हमने जो यहाँ पर चिकन ली है वो है चिकन थाए, यानी कि चिकन के जो बाजू होते हैं हमने वो लिए हैं। और यहाँ पर हमने जो इस तरह से उनको बना कर रख लिए हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से बना कर रख लें। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं, इस तरह का जो चिकन का बाजू होता है हमने वो ले लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको कट किया है। तो बस यहाँ पर आपको इस तरह से एक बाजू लेना है और नाइफ़ लेनी है, उसे आप इस तरह से इसको कट करना है और नीचे की तरफ से इस तरह से इसको करना है। हमें बिल्कुल पूरा नहीं हटाना है, बस इस तरीके से इसको नीचे की तरफ लाना है ताकि हमारा ये चिकन लॉलीपॉप बहुत ही अच्छा सा रेडी हो जाए। तो बस इसको इस तरीके से करते जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किस तरह से ये लॉलीपॉप जो है वो रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमारे बाकी के भी रेडी हैं, तो बस चले इन्हें मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, हमने यहाँ पर लिया है हाफ कप दही, तो इसमें हम दही को ऐड कर लेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और उसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून सिरका। तो यहाँ पर हमने सिरका इसलिए लिया है, अगर आपके पास सिरका है तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर लिए हमने कुछ स्पाइसेस, जिसमें हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून लिया हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लिया हमने यहाँ पर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लिया भुना पिसा जीरा और 1 टीस्पून लिया हमने यहाँ पर ओरिगेनो। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तमाम मसालों को ऐड कर लेंगे और इसे बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने वाइट वाला सिरका लिया है क्योंकि उससे जो है चिकन हमारी बहुत अच्छे से टेंडर हो जाती है, यानी कि बहुत अच्छे से गल जाती है, तो बस इसलिए हमने सिरके का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है और अब हमने यहाँ पर जो चिकन है हमारी उसमें ऐड करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हमें चिकन को बहुत अच्छा सा मैरिनेट करना है, आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको 30 मिनट रखूँगी, यानी कि आधा घंटा। तो बस यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर अब हम इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छा सा कोट करेंगे ताकि हमारा जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छे से कोट हो जाएँ। तो बस यहाँ पर हमें इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है और आधे घंटे के लिए हमें इसको कवर करके छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चिकन को 30 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारी जो चिकन है वो किसी अलग प्लेट में रखते जाएंगे इस तरीके से, और बाकी का जो मसाला है वो हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम इसी में कोट करेंगे। तो यहाँ पर बस अब इस तरह से चिकन को अलग कर लेंगे और जो इसका मसाला है उसी में हम इसको कोट करेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें लेना है इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, हमने यहाँ पर लिया है 1/2 कप मैदा, तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1/2 कप ही हमने लिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, अगर कॉर्नफ्लावर आपके पास नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, तो यहाँ पर हमने 1/2 कप दोनों ले लिए हैं। और यहाँ पर लिया है हमने फूड कलर, रेड फूड कलर लिया है हमने यहाँ पर, अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर दें, नहीं है तो आप इसमें जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कलर लाने के लिए हमने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका एक लिक्विड सा जो बैटर है वो रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इस तरह से लिक्विड फॉर्म में चाहिए, बस इतना ही थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पर अब हमारी जो चिकन है वो इसमें हम कोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी तमाम चिकन जो है वो इसमें इस तरह से हम सेट कर लेंगे इसमें और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो चले अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने ऑयल ले लिया है, हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो अच्छा सा गरम हो चुका है और यहाँ पर हमारी जो चिकन है अब हम उसे अच्छा सा कोट करेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। हमारा जो ऑयल है वो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गरम हुआ तो ये चिकन जो है हमारी ऊपर से फ्राई हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बस यहाँ पर हम, आप देख सकते हैं टेम्परेचर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो बस इसी तरह से हम इसमें ऐड करते जाएँगे और उसको स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करते जाएँगे। तो यहाँ पर हमने तमाम चिकन को ऐड कर दिया है और यहाँ पर हम स्लो फ्लेम पर इसको फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा है इसका। तो चले अब हम इसे निकाल लेते हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं।
तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं हमारा चिकन लॉलीपॉप जो है कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये खाने में भी उतना ही अच्छा है। तो आप इसे बनाएं, बहुत ही आसानी से घर में रेडी हो जाता है और बहुत ही अच्छे से हमारी चिकन भी है वो भी अंदर से गल चुकी है। तो आपको ये चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।